लिए प्यारा दस्तावेज है, मैं स्कूल पहन के जाऊं। माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा है। और ये देखें, ये हमारी बेटियों के लिए है जो कपड़े, वो भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बाज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब घर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मेरी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे बस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज गिफ्ट आ गया है, और हमारा पहली बार ये गिफ्ट आया है यूके से। तो उस बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया जिस बाजी ने हमारे लिए, हम गरीबों के लिए ये गिफ्ट भेजा है। अल्लाह ताला उसको ढेर सारी खुशियाँ दे, और उसकी लंबी उम्र दे, और अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो अभी शोएब बेटा भी सलाम करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब घर खैरियत से होंगे, आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो पहली बार उस आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पहली दफ़ा गिफ्ट भेजा है। तो आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फातिमा भी सलाम करेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे लिए पहली बार गिफ्ट भेजा है। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि इतनी आपको बता नहीं सकती। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। तो हाँ फातिमा, अभी ना इसको खोलते हैं। तो ये इसने काफ़ी मजबूत लगी हुई है, और शुएब ने छुरी लेकर आए हैं, इसको काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ध्यान से शुएब। अस्सलाम वालेकुम। तो इधर देख सकते हुए आज असा सारी फैमिली बहुत खुश हैं। यूके से गिफ्ट पहली बार सारे को आए गरीबों वास्ते, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम इसको नीचे रखेंगे, तो जो जो सामान निकालेंगे वो ऊपर रख दे जाएंगे। तो अभी अम्मी खोल रही है, क्योंकि गट्टू के अंदर ना ऊपर से भी छापा रखा हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। ये देखो एक साइड पे नीचे रखो, तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पार्ट आप देख सकते हैं। अभी ना मैं ऊपर नीचे रख देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी निकाल के। इसके ऊपर ना और भी छापा है, और वो भी बंद है। इसको खोलेंगे तो फिर देखेंगे इसमें। छुरी के साथ काट लेते हैं। छुरी उठा दो। यहाँ रख दो। अब ऐसे कुशापर को निकाल के रख देते हैं। अभी नीचे जो जूते हैं ना, वो शेप निकाल के वहाँ रख दो तुम। ये सारे शूज निकाल के वहाँ रख दो, वो भी शूज निकाल लो, ये भी। बस माशाल्लाह से ये सारे कपड़े भी सारी फैमिली के लिए हैं, और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत हैं। कुछ सर्दियों वाले हैं और कुछ गर्मियों वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये पाउच है माशाल्लाह से, इसके ऊपर बहुत कढ़ाई निकली हुई है, सीप निकला हुआ है, जैसे हम अपने गाँव में निकाल कर बनाते हैं। माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा है। और ये देखें, ये हमारी बेटियों के लिए हैं जो कपड़े, वो भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आज मेरी बेटियां भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसे देखे भी नहीं थे कपड़े, तो आज उन्होंने ये देखे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मेरा भी बहुत ही अच्छा है। हाँ, फातिमा ने अपना कलर, क्योंकि उसको ना जो ज़्यादा शौक वाले कलर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बहुत ज़्यादा सितारे लगे हुए हैं और ज़्यादा चमक रहे हैं, तो वही उठा के देख रही है। और इसने कहा है, अम्मी मुझे ना ये वाला, जब मैं, क्योंकि हमारी तो और भी ज़्यादा दो खुशियाँ, क्योंकि दो दो खुशियाँ हैं, एक तो भैया की शादी है और दूसरा हमारा गिफ्ट आ गया है।
तो उस बाजी का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर जितना भी हम उनका शुक्रिया अदा करें तो भी कम है, फिर भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, तो फातिमा ने कहा है ये ना मैं अपने मामू के जागे वाले दिन पहनूंगी और रात को देखना ये कितना ज़्यादा शो करेगा, तो इसलिए ये इसने उठाया हुआ है। माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी जैकेट है, ये सर्दियों वाली है। तो अभी लाइटिंग वाला जूता भी आपको पहना के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इधर से लाइटिंग लगी हुई है, ये अभी तो अंधारा हो जाएगा क्योंकि ये सर्दियों के कुछ ज्यादा है ना, इसलिए तो शूज भी सर्दियों वाले बहुत ज्यादा हैं और शुएब के भी हैं और बाकी के फैमिली के भी, ज्यादातर शुएब के हैं शूज और कुछ और भी सैंडल हैं माशाल्लाह से, वो भी बहुत ही प्यारी हैं। और जो ये दुपट्टे हैं ना, ये वाले दुपट्टे ये मेरी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा प्यारे हैं। ये देखें ये दो वाले कलर वाले हैं ना, इसलिए माशाल्लाह से ये भी जैकेट मेरे लिए, हाँ ये भी सर्दियों वाली है ना, इसलिए बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमने, मेरी बेटियों ने तो पहले कभी ऐसे कपड़े देखे भी नहीं, तो कुछ जो है वो अभी ठंडी मौसम है वो भी इस्तेमाल करेंगे और जो सर्दियों वाले हैं तो सर्दियों में आगे इस्तेमाल करेंगे। शुहेब अब ऐसा करो इसको जिस तरह तुमने सारे ना पैक करके फिर दोबारा रखने हैं जी, बना के रखो। आप देख सकते हैं इसमें ना बहुत सारा सामान था। और ये देखें फातिमा ने ये जैकेट उठाई हुई है, ये कहती है ये मेरी है। शुहेब को देखो उसने टोपी पहनी हुई है, उसने टोपी भी पहन ली है। पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है, शुहेब भी बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए तो खुशी में उसने टोपी पहनी हुई है। इसको दोबारा सही बना के रखने हैं ना, अब सारे बिखेर के नहीं रखने। हाँ जो सर्दियों वाले हैं ना वो अलहदा करके रखने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा हूँ। प्यारे बस आप देख सकते हैं शुएब ने तो अभी पहन लिया है, ऐसा लगता है जैसे शुएब डॉक्टर बन गया है आज, बहुत ज्यादा खुश है। और फातिमा भी पहनना शुरू कर दिया है, उसको देखो वो कैसे शुएब पहन रहा है, तो मैं भी पहन के देखती हूँ मुझे कैसा लगता है, ये नर्स बन गई है और वो डॉक्टर बन गए हैं दोनों। तो मैं अपनी बहन का भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर में भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम गरीबों के लिए इतने गिफ्ट भेजे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको ढेर सारी खुशियाँ दे। और मैं तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि वो अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखना है। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अभी केक ब्रश को बना के रखते हैं।